मुझसे काफी लोग क्वेश्चन करते हैं कि पीवीआर के ऊपर क्या रिपोर्ट है और कंपनी का स्टॉक जो है वो 52 वीक लो पे क्यों ट्रेड कर रहा है। आपको बताता हूँ, कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनी की ऑक्यूपेंसी की परसेंटेज, जो कि अराउंड 26% पे है, लास्ट ईयर अराउंड 22% पे थी। अब आप ये सोचिए, ये कंपनी कितने गलत ट्रेजेक्ट्री पे काम कर रही है कि इनके पास जो सीट्स हैं इन सिनेमा हॉल्स वो हैं 3,57,000। इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर अगर ऐसा एंटरटेनमेंट बिजनेस आप प्लेटफॉर्म की तरह चला रहे हैं, सिनेमा हॉल का बिजनेस, और वहाँ पे आप अगर आप एंट्री प्राइस जो कि एक टिकट प्राइस आप अगर अपना कम कर दें और आप बाकी वैल्यू ऑफरिंग्स अगर सिनेमा हॉल्स के अंदर दे दें, तो मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी री रेटिंग की रिक्वायरमेंट बन सकती है। रीजन बीइंग, मुझे लगता है कि इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन्होंने जो एंट्री प्राइस बना दिया है वो पिछले 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने की वजह से इनकी ऑक्यूपेंसी के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। प्रॉब्लम नंबर वन, कंपनी की अगर आप सिनेमा हॉल्स की बात करें तो इनके रैपिडली तो ग्रो हो रही है सिनेमा हॉल्स, लेकिन कंपनी के अंदर अल्फा जो है वो जनरेट नहीं हो पा रहा मर्जर के बाद भी। रीजन बिंग, अगर आप एंट्री प्राइस जो कि एक टिकट प्राइस होगा वो आप इतना हाई रखेंगे, प्लस अगर कोई बंदा सिनेमा हॉल जाएगा, और एक इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर मैं सेमी मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात करूं जो कि अपने आप वीकेंड पे कुछ एंटरटेनमेंट चाहती है और कुछ उनकी फैमिली को थोड़ा सा हैप्पीनेस का माहौल क्रिएट हो जाए, तो वो लोग पहले मूवी हॉल जाते थे। एक प्योर प्ले मिडिल क्लास फैमिली की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या होता था कि आपकी 400 से 500 की टिकट्स आती थी जो कि 100 रुपये का रेट पीवीआर का होता था, प्लस वहां पे जाके अगर आप 1,000-1,500 रुपये खर्च कर देंगे तो एक पूरी की पूरी फैमिली की, 4 से 5 लोगों की फैमिली एक अच्छा इंजॉयबल अपना वीकेंड बना सकती थी। लेकिन आज की डेट में पीवीआर सिनेमाज ने जो अपना पिवट लिया है महंगे सिनेमा टिकट्स के अंदर और उनकी लग्जरी एमिनिटीज की वजह से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव चलना शुरू हो चुका है। अगर आपके सिनेमा हॉल्स के अंदर इतनी सारी एमिनिटीज हैं, आप इतना महंगा हिसाब रखेंगे अपना टिकटिंग के अंदर, तो लोगों का आना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके सिनेमा हॉल के अंदर, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा कंपटीशन है ओटीटी प्लेटफॉर्म। और अगर कंज्यूमर के माइंडसेट में ये चीज़ आ गई कि इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल ओवर अ वीकेंड रादर देन वेट फॉर दैट मूवी टू कम ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो आपका बिजनेस ही ठप हो सकता है। तो आपको अपना जो पिवट लेना है वो आपको ऐसे बनाना है कि आप आज की डेट में सिनेमा हॉल को एक मूवी थिएटर एक्सपीरियंस की जगह एक एंटरटेनमेंट थिएटर एक्सपीरियंस के साथ जोड़ें। जैसे कि कोई भी बंदा आज की डेट में अगर 4 से 5 लोग आपकी मूवी देखने आ रही है एक एज अ फैमिली, तो उनको मूवी एक्सपीरियंस के अलावा प्लस एक एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस भी अगर मिल जाए, जो कि पीवीआर एक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है इस चीज के ऊपर, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी के अंदर एक री रेटिंग का माहौल बन सकता है। क्योंकि अगर मैं नोटिस करूं कि इनकी इतनी सीट्स अवेलेबल हैं इस टाइम इंडिया के अंदर, लेकिन लो ऑक्यूपेंसी की वजह से कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज का इस टाइम माहौल नहीं बन रहा। ये एक ऐसा बिजनेस होता है कि जहां पे अगर आपकी ऑक्यूपेंसी 26 से वापस 50 55 की तरफ आ जाए तो कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स के अंदर एक बहुत तेजी दिखाई दे सकती है। क्योंकि अगर कोई बंदा, लेट्स अज्यूम आपकी टिकट का प्राइस 100 से 150 रुपये कर दे, कंपनी को आपको एंट्री प्राइस मिल गया मूवी हॉल के अंदर आने के लिए कस्टमर को, वो बंदा आज की डेट में अगर मूवी हॉल जाएगा तो इंटरवल तक जाते वक्त उसको अगर इतने सारी एमिनिटीज मिल जाए फूड और बेवरेजेस की वजह से, तो शायद उसका वॉलेट का आप साइज जो है वो पढ़वा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एंट्री प्राइस टिकट का कम कर दें, एमिनिटीज की तरफ आप फोकस करें, जैसे कि पूरे के पूरे
एंड टू एंड आप फूड एंड बेवरेजेस की एमिनिटीज दे दें, तो शायद एक एंड प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वीकेंड के अंदर वो एक अच्छा वॉलेट साइज बन सकता है एक फैमिली का। मुझे लगता है कि ये पिवट कंपनी को करना चाहिए, अपने टिकटिंग प्राइस कम करके एमिनिटीज की तरफ ज़्यादा जाके। प्लस अगर उनकी जो सीट्स हैं वो 3,57,000 हैं, तो कंपनी एक सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर जो है वो एड बिजनेस का जो मिस कर रही है उस पर भी कंपनी एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग कर सकती है, क्योंकि ये एक ऐसे लोग होंगे इंडिया के जो कि एक सेमी मिडिल क्लास है और यही एक इंडिया की कंजम्पशन पार्ट बास्केट का पार्ट बनते हैं मेजॉरिटी के अंदर। तो अगर ये लोग आपके एड्स भी देखेंगे एज अ कस्टमर आपके मूवी हॉल के अंदर, तो ये एक एड रेवेन्यू की तरफ भी एक कंपनी की डायरेक्शन जा सकती है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अगर आप काम कर रहे हैं, ऑक्यूपेंसी आप दिखा दें कि आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो एड प्रोवाइड करने वाले जो आपके कस्टमर्स होंगे वो भी शायद इन ऑडियंस पे फोकस करेंगे, क्योंकि एक ऐसी ऑडियंस होती है जो कि इंडिया की पूरी कंजम्पशन बास्केट को लीड करती है। इन बास्केट्स पे अगर आप काम कर लें तो मुझे लगता है कि कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग बहुत तेजी से बढ़ सकती है। ये कंपनी की इस टाइम मार्केट कैप 13,000 से 14,000 करोड़ पे इस टाइम अटकी हुई है। कंपनी की मार्केट कैप को अगर 25,000-20,000 करोड़ आपको बनाना है तो आपको इन्वेस्टर कम्युनिटी के अंदर 3-4 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। नंबर वन, आपकी ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे, क्योंकि अगर आपके फिक्स्ड एसेट्स जो कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है उस पर आप फोकस नहीं कर रहे तो आपका रेवेन्यू का जो मल्टीपल है प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो कम ही रहेंगे, क्योंकि आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस अगर हैं रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा ऑक्यूपेंसी लेवल की वजह से तो कंपनी में हमेशा ड्रैग ही रहेगा। अगर कंपनी इन चीज़ों पे काम कर ले, अपनी ऑक्यूपेंसी बढ़ा ले नंबर वन, नंबर टू अपनी टिकटिंग प्राइस को कम कर ले, लेकिन पिवट ले अपनी बाकी सर्विसेज के अंदर जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस आप बढ़ा सकते हैं अपने सिनेमा हॉल के अंदर, तीसरा पार्ट कंपनी का एड रेवेन्यू। कंपनी अगर अपने एड रेवेन्यू पे अच्छी तरह से फोकस कर ले और वो अपने कस्टमर्स को ये बता दे कि हमारे पास हर वीकेंड लेट्स अज्यूम 3,57,000 सीट्स जो ऑल ओवर इंडिया में है उसमें से 1.5 लाख बंदा तो आता ही आता है पर डे के हिसाब से, तो यहाँ पे कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग बहुत तेज़ी से बन सकती है और कंपनी को इन चीज़ों पर काम करना है अगर कंपनी को मार्केट के अंदर आउट परफॉर्मेंस दिखानी है। थैंक यू।